जब से स्क्विडी टॉयलेट का एपिसोड 67 आया है तब से फैंस में ये बात छिड़ चुकी है कि कौन सा टाइटन ज़्यादा शक्तिशाली है। टाइटन टीवी मैन ज़्यादा शक्तिशाली है जिसने साइंटिस्ट स्क्विडी टॉयलेट को हराया है, या फिर टाइटन कैमरामैन ज़्यादा शक्तिशाली है। मैंने इस वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली टाइटन टीवी मैन होगा, फिर भी फैंस का मानना है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली टाइटन कैमरामैन होगा क्योंकि वह इंजर्ड हो गया था इसलिए हार गया। तब आज के इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टाइटन सबसे शक्तिशाली है और अगर इन दोनों के बीच फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा टाइटन किस पर भारी पड़ेगा, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अपग्रेड टाइटन के पास कौन कौन से नए एबिलिटीज आ गए हैं। तब शुरुआत करते हैं टाइटन टीवी मैन से। टाइटन टीवी मैन तीनों टाइटन में सबसे बड़ा है और ऐसा टाइटन भी है जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इसके बैक में शोल्डर क्लॉ भी दिए गए हैं जिसे दुश्मन को पकड़ कर मारता है। वहीं ये रेड स्क्रीन के जरिए कई स्क्विडी टॉयलेट को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। अपग्रेड होने के बाद इसके हैंड, हेड और चेस्ट में और भी स्क्रीन लगाए गए हैं और शायद इसके स्क्रीन को ढकने के लिए प्रोटेक्टिव ग्लास भी लगाए गए हैं ताकि टाइटन स्पीकर मैन की तरह कोई और न डैमेज कर पाए। टाइटन टीवी मैन अपग्रेड होने के बाद और ज़्यादा ड्यूरेबल हो गया है जिस पर मिसाइल फायर का कुछ असर नहीं हो रहा था और इसमें दो खतरनाक वेपन्स भी दिए गए हैं, पहला एनर्जी ब्लेड और दूसरा कोर लेजर। एनर्जी ब्लेड पर्पल रंग का चमकता है जिसमें लाइटनिंग पावर होती है जिसे स्पीडी साइंटिस्ट के हेड में छेद कर देता है और अब अपने कोर से लेजर भी छोड़ने लगा जिसे स्पीडी साइंटिस्ट के हेड को उड़ा देता है। इसके पीछे में बड़ा जेट लगा है जिससे टाइटन ट्यूब में जमीन के करीब उड़ सकता है क्योंकि इसे अभी तक टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन की तरह आसमान में उड़ते हुए नहीं दिखाया गया है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि टाइटन टीवी मैन टेलीपोर्ट हो सकता है, ये काला रंग का धुआं छोड़ कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं टाइटन कैमरामैन की। तब हम उसी टाइटन कैमरामैन को लेंगे जब वह जी मैन के साथ लड़ रहा था क्योंकि फैंस का मानना है कि वह इस अवस्था में होता तब वह स्क्विडी साइंटिस्ट को हरा देता जिसमें वह अपना एक हाथ और प्लाज्मा गन को भी खो देता है। तब इस अवस्था में टाइटन कैमरामैन के पास कई सारे एबिलिटीज और वेपन थे। अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से कई स्क्विडी टॉयलेट को मार सकता था या प्लाज्मा गन से दूर से शूट कर कई स्क्विडी टॉयलेट को डिस्ट्रॉय कर देता था, ग्रेविटी गन से खींच कर दूर फेंक देता था या फिर पटक कर मार देता था, एनर्जी शील्ड से अपने दुश्मन के हमले को रोक देता था। और यही चार चीज़ घायल होने के बाद टाइटन कैमरामैन को कमज़ोर कर रहा है। उसका प्लाज्मा गन, एनर्जी शील्ड और ग्रेविटी गन डिस्ट्रॉय हो गया है और बहुत सारे स्क्विडी टॉयलेट उस पर एक्सप्लोजन के साथ हमला किए, तब उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो गया है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे वेपन सही सलामत थे जो कि अभी बताने वाला हूँ। जैसे वह जेट पैक के जरिए उड़ सकता है, फिंगर प्लाज्मा कैनन छोड़ बहुत सारे छोटे छोटे स्क्विडी टॉयलेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वह अपने शोल्डर गन से ऑटो फायर कर स्क्विडी टॉयलेट को मार सकता है, मैकेनिकल हैमर और रिएक्टर कोर फ्लेम से उसने कई दुश्मन को मारा है। उसका मैकेनिकल हैमर इतना शक्तिशाली है कि उसने कई जाइंट स्क्विडी टॉयलेट को एक वार में डिस्ट्रॉय किया है। इससे उसने जी मैन के सारे वेपन को तोड़ दिया था। इसमें जेट भी लगा हुआ है जिससे हैमर और भी फास्ट हो जाता है जिसे टाइटन कैमरामैन स्क्विडी टॉयलेट को ज़्यादा तेज़ी से मार सकता है। वहीं उसका कोर फ्लेम किसी भी स्क्विडी टॉयलेट को जलाकर मारने के लिए काफ़ी है। इससे उसने जाइंट स्क्विडी टॉयलेट को मारा है और फेक जी मैन को भी मारा है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा टाइटन ज़्यादा शक्तिशाली है। देखो कि इस फाइट में दोनों टाइटन के सभी वेपन्स काम नहीं आने वाले हैं। टाइटन कैमरामैन का उसका मैकेनिकल हैमर और कोर फ्लेम्स इस फाइट में काम आएगा, वहीं अपने एनर्जी शील्ड से बच सकता है और जेट से उसे लड़ते वक्त स्फूर्ति मिल सकता है और उसके बचे सभी वेपन्स टाइटन टीवी मैन के सामने बेकार होंगे। वहीं टाइटन कैमरामैन का एनर्जी ब्लेड, कोर लेजर
और रेड स्क्रीन इस फाइट के दौरान काम आएगा। टाइटन कैमरामैन के पास दो हमला करने के लिए है मैकेनिकल हैमर और कोर फ्लेम्स, तो वहीं टाइटन टीवी मैन के पास तीन वेपन्स हैं मारने के लिए एनर्जी ब्लेड्स, कोर लेजर और रेड स्क्रीन। तब सवाल उठता है कि टाइटन कैमरामैन का हैमर ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर टाइटन टीवी मैन का एनर्जी ब्लेड, और टाइटन कैमरामैन का कोर फ्लेम ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर टाइटन टीवी मैन का कोर लेजर। हैमर वर्सेस ब्लेड्स की बात करते हैं, तब हैमर से टाइटन कैमरामैन ने कई सारे टाइटन्स को मारा है और छोटे साइज के स्प्रिट टॉयलेट को तो वह एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, पर बड़े साइज के स्प्रिट टॉयलेट के सामने ज़्यादा असर नहीं दिखता है। जैसे कि वह जी मैन को मारता है तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहीं टाइटन टीवी मैन ने एनर्जी ब्लेड से सिर्फ स्प्रिट साइंटिस्ट के हेड को छेद किया है, तब इससे वह टाइटन कैमरामैन को भी छेद कर सकता है। फिर भी टाइटन कैमरामैन इससे एनर्जी शील्ड से बच सकता है, या फिर हो सकता है कि यह ब्लेड उसके शरीर को छेद नहीं पाए क्योंकि उसके सूट बहुत ड्यूरेबल है। यानी कि यहाँ पर दोनों के वेपन बराबर शक्तिशाली होंगे, जिसमें दोनों टाइटन्स एक दूसरे के वार से बच सकते हैं। वहीं ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोर फ्लेम्स ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर कोर लेजर। कोर फ्लेम से टाइटन कैमरामैन ने कई सारे स्प्रिट टॉयलेट को जलाकर मारा है, यहाँ तक कि इस जी मैन को भी जलाकर मारा है। वहीं टाइटन टीवी मैन ने सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया है कोर लेजर का, जिसमें वह साइंटिस्ट स्प्रिट टॉयलेट को जलाया है। यानी कि दोनों के कोर के एनर्जी की शक्ति बराबर होंगे, तब दोनों टाइटन्स के ये दोनों वेपन तो बराबर निकले। तब भी टाइटन टीवी मैन के पास एक वेपन और भी है, जो है रेड लाइट हिप्नोसिस, जिससे वह टाइटन कैमरामैन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे कि साइंटिस्ट स्प्रिट टॉयलेट कर रहा था। और इससे टाइटन कैमरामैन एनर्जी शील्ड का भी इस्तेमाल करके नहीं बच सकता है। तब कंक्लूजन ये निकलता है कि अपग्रेड टाइटन टीवी मैन अपने रेड लाइट हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके टाइटन कैमरामैन को मार सकता है, चाहे टाइटन कैमरामैन घायल हुआ हो या फिर ना हुआ हो। फैंस को यह भी लगता है कि टाइटन कैमरामैन घायल नहीं हुआ होता तब वह साइंटिस्ट स्प्रिट टॉयलेट को मार देता, इस तरह वह टाइटन टीवी मैन से ज़्यादा शक्तिशाली कहलाता। पर बात यह है कि टाइटन कैमरामैन का साथ टाइटन स्पीकर मैन ने भी दिया था, तभी वह जी मैन को हराया और साइंटिस्ट स्प्रिट टॉयलेट के खिलाफ भी टाइटन स्पीकर मैन ने साथ दिया था, तब भी दोनों मिलकर हरा नहीं पाए और टाइटन स्पीकर मैन उतना घायल नहीं हुआ था। वहीं टाइटन टीवी मैन अकेले ही जी मैन और साइंटिस्ट स्प्रिट टॉयलेट को एक एक करके हराने की क्षमता रखता है। एपिसोड 47 में जी मैन को अपने रेड हिप्नोसिस से मारने वाला था, पर वहीं एक स्प्रिट टॉयलेट ने रोका और टाइटन स्पीकर मैन ने भी जी मैन का साथ दिया, इसलिए वह जी मैन को अकेले नहीं मार पाया। और इस समय टाइटन टीवी मैन अपग्रेड नहीं हुआ था और उसे कोर लेजर और ब्लेड्स भी नहीं दिए गए थे। वहीं वह साइंटिस्ट स्प्रिट टॉयलेट को तो अकेले हराए ही, अब अपग्रेड होने के बाद उसे और भी वेपन्स दिए गए हैं, इसलिए वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। इसलिए टाइटन टीवी मैन अभी तक एपिसोड 67 तक का सबसे शक्तिशाली टाइटन है, लेकिन टाइटन कैमरामैन का डैमेज ठीक होने के बाद वह सबसे शक्तिशाली टाइटन बन जाएगा, क्योंकि टाइटन टीवी मैन ने उसे एपिसोड 67 में ही रेड लाइट हिप्नोसिस से बचने के लिए लेंस दिया है, और ठीक होने के बाद उसे पुराने वेपन्स के साथ साथ उसे नए वेपन्स भी दिए जाएंगे। इस तरह टाइटन कैमरामैन भी अपग्रेड होने के बाद सबसे शक्तिशाली टाइटन बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सबसे शक्तिशाली टाइटन कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे दूसरे एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।